मध्य प्रदेश के सीधी में पत्रकार और रंगकर्मी के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गुना में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। पार्टी ने शिवराज सरकार पर जंगल राज स्थापित करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान भाकपा नेताओं ने कहा कि अगर विरोध करना अपराध है तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। भाकपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में जंगल राज स्थापित होने का बड़ा जड़ा कहा है। नेताओं का कहना था कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस या सरकार किसी को दंडित करे, जैसा कि इस समय मध्य प्रदेश में माफिया अभियान के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन आज सरकार ने पुलिस के दम पर जिस तरीके से लोगों के आशियाना उजाड़ना शुरू किया, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अपराधी है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, पर पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है। संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार यह जंगल राज स्थापित करना चाहती है। सीधी में जो घटना हुई पत्रकारों के साथ में, सिर्फ एक बीजेपी के विधायक के कहने पर सिर्फ उन लोगों ने सच्चाई को दिखाने की कोशिश की और इस वजह से उन पत्रकारों का वहाँ पर थाने के अंदर अर्धनग्न करके और नंगा करके उन लोगों के फोटो वायरल किए। आज हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार चाहती है, केंद्र की सरकार चाहती है कि लोग नंगे भूखे प्यासे रहे, तो आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ नंगे अर्धनग्न अवस्था में नंगे होकर के ये कह रहे हैं कि आए पुलिस हमें पकड़े, आए मध्य प्रदेश सरकार हमारे आशियाना उजाड़े, हम तैयार है। सीधी घटना को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रदेश भर में पत्रकार ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब राजनीतिक दलों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी प्रदेश। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।